सो ही गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल मोटी कॉलो एफ एफ गाइस तो यार सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बताना है मेरे भाई आप सभी के सभी कैसे हो यार आई होप गाइज आप सभी के सभी जो है अच्छे होंगे तो यार देखिए आज का टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा तो यार देखिए फाइनली जो है काफ़ी टाइम बाद लाइक like मैं आप लोगों को बता दूं मैक्सिमम फोर्टी टू डेज मैक्सिमम फोर्टी टू डेज खेलने के बाद जो है फाइनली मोंटी का का जो है नाइन्टी फोर लेवल जो है हो चुका है तो यार देखिए नाइन्टी फोर लेवल होने से पहले मोंटी को चाहिए था जस्ट ओनली फोर हंड्रेड एक्सपीरियंस तो फिर उसने मुझे कहा कि आ जाओ खेलते हैं और वीडियो भी तो बनाना है हाँ तो वो कैसे भूल सकते हैं ठीक है तो यार वैसे ही हम लोगों ने फिर लास्ट गेम जो है स्टार्ट कर दिया था तो मैक्सिमम टाइम जो हो गया था बारह से साढ़े बारह के बीच का जो हो गया था तो फिर यार यहाँ पे हम लोग जो है गेम खेल रहे थे रैंडमली आप लोग को तो पता है मैं बहुत ही कम गेम खेलता हूँ ठीक है तो इसलिए तुम्हारे भाई का गेम प्ले पर ज़्यादा वो मत करना ठीक है मतलब बोलना मत कि ये नूब है ऐसा है वैसा है तो यार देखिए मैं नू भी हूँ बट थोड़ा यार इतना ज़्यादा बेइज्जती मत करवाना मेरा ठीक है तो यहाँ पे कि यार क्या होता है हम लोग जैसे ऊपर आप लोग को पता है पीक पे उतर के नीचे आए तो फिर यहाँ पे जब हम पहुँचते तो यहाँ पे बंदे आ जाते तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने देखा कि मोंटी कार्लो ने हेड शॉट के साथ एक किल कर लिया है और जो दूसरा किल था वो मैंने किया वो जस्ट आपको बता दूँ मैं तो जस्ट दो या तीन गोली में वो बंदा जो है नॉक हो गया था क्यों एक्चुअल में मोन्टीनो से बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था तो मैंने जो है उसका किल चोरी कर लिया था तो फिर यार अभी यहाँ पे क्या है कि एक बंदा जो है हमें फायर कर रहा था लाइक like हम लोग उसे ढूंढ रहे थे कि एक्चुअल में वो बंदा है कहाँ तो फिर यार बाद में जब हमें पता चलता है कि यार वो बंदा तो भाई फैक्ट्री की छत के ऊपर बैठा हुआ है तो हमने कहा चलो इसे रहने दो अपना आगे की तरफ कुछ चल पड़ते हैं तो फिर जैसे ही हम आगे कुछ जा रहे थे मैं पीछे देख रहा था तो वो बंदा ऊपर से कूद रहा था ठीक है तो वो बंदा ऊपर से कूद गया बट मैंने उसे डैमेज दिया तो बहुत ही कम डैमेज उसे लगा बट ऊपर से उसने जंप किया तो मे भी शायद से वो नॉक हो गया होगा या एलिमिनेट हो गया था ठीक है तो फिर जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो सामने आपको दिख रहा होगा कि एक बंदा जो है रिम नाम पे अपने बंदों को रिवाइव कर रहा है ठीक है और मोंटी और रशियन ने बहुत ही चुस्ती मारते हुए पीछे ही ये लोग लैंड हो गए और मैं तुम्हारा भाई ज़्यादा हीरो बन के आगे चला गया था बट मैं जो है बंदे को मार नहीं पाया और यहाँ पे हुआ रिवेंज ठीक है तो मोंटी ने यहाँ पे क्या है मेरा किल जो है चोरी कर लिया तो भाई मैं इसे बोल रहा था हाँ बा बेटे मौज कर दी आखिर तुमने मेरा किल चोरी कर ही लिया तो इसने बोला भाई जैसी करनी वैसी भरनी मैंने कहा चल भाई ये भी ठीक है ये भी चलेगा तो फिर आगे जाते ही ये नोबड़ा जो है एकदम से नॉक हो जाता है तो मैं इसके ऊपर खूब हंस रहा था मैंने कहा हाँ आया मज़ा तो फिर यहाँ पे भाई आप लोग देख सकते हो कि इधर उधर से मतलब बंदे उस बंदे की जो है पूरी की पूरी जो स्क्वेड है यहाँ पे पड़ा हुआ था ठीक है एक तो हमने किल कर लिया था बट यहाँ पे तीन मेंबर जो अभी भी अलाइव थे ठीक है एक को तो मैंने फिनिश कर दिया तो फिर यहाँ पे एक बंदा इनका यहाँ पे था तो एक बंदे को पहाड़ी ने जो है किल कर दिया ठीक है तो उसके बाद मुझे पता चला कि बंदा यहाँ पे है इस घर के अंदर ठीक है तो मैं ऊपर जा रहा था बट वैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे दिखता है डब्बा तो मुझे पता है कि ये है मोंटी का लूट बॉक्स ठीक है तो इस नूबड़े को पता नहीं कहाँ से दिख गया इसने यहाँ पर भी उसका जो है किल ले लिया भाई मतलब क्या ही बोले यार ऐसा थोड़ी ना होता है तो फिर भाई यहाँ पे लूट तो इन लोगों ने की नहीं थी कुछ भी तो हम लोग यहाँ से मतलब बोलते कि अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपना हैंगर की तरफ ठीक है अपना हैंगर की तरफ हम लोग जा रहे थे तो ये देखिए गेम जो पूरा मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि तो फिर मुझे यहाँ पे इसे क्रॉप करना पड़ा तो फिर क्रॉप करने के बाद जो है काफ़ी देर घूमने के बाद हमें यहाँ पे आखिरकार बंदे मिल ही जाते तो यहाँ पे क्या होता है कि पहाड़ी को सबसे पहले जो है बंदे किल करके फिनिश करते थे मुझे देखा था कि पीछे से एक बंदा गया था बट वो जो है पूरी तरह से गायब हो गया था मुझे मिला नहीं बट यहाँ पे उसकी जगह पे मुझे एक दूसरा बंदा मिला जो कि मैंने पीछे जो है फिनिश कर दिया ठीक है तो फिर अभी यहाँ पे मैं बढ़िया करके लूट करता हूँ तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर टोकन ठीक है तो फिर मैं यहाँ पर इन दोनों को जो है पहाड़ी और रशर को जो है रिवाइव दे देता हूँ तो फिर मैं चला जाता हूँ ऊपर की तरफ तो ऊपर से जो एक बंदा जो फायर कर रहा था तो फिर मैं चला जाता हूँ आगे की तरफ मैंने सोचा पता नहीं कहाँ पे होगा तो बट मुझे यहाँ पे जो बंदा दिख जाता आगे मैं उसको गोली मारा था बट भाई यहाँ पे पीछे जो है बड़े वाले स्टोन के पीछे एक बंदा पहले से ही खड़ा था और इसने मुझे जो है क्या दे दिया सरप्राइज़ और मेरा बन गया डब्बा तो फिर अभी यहाँ पे मैं इसका गेम प्ले देख रहा था तो ये काफ़ी मतलब हार्ड खेल रहा था काफ़ी मतलब एक्टिव होके खेल रहा था ठीक है बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि मोंटी के साथ भी वही होता है जो हुआ मेरे साथ ठीक है ये भी आगे जा रहा था तो बट इसे चारों तरफ से पड़ जाती है और बंदा स्काईलट छोड़ के इसका वॉल तोड़ के इसको फिनिश कर देता है ठीक है तो बट हमारा लास्ट बंदा जो रह जाता तो वो था रशर रशर ने फिर से मोंटी को एक बार से रिवाइव दे दिया गया ठीक है तो यहाँ पे रशर को भी भाई बहुत बुरी तरह से पड़ता है तो बंदे इसे फिनिश कर देते हैं ठीक है थीके? अब रह गया था लास्ट में खाली मोंटी और ये लैंड हुआ तो भाई बस लैंड होते ही बंदों की गोलियाँ जो है इस पर चलना जो है स्टार्ट हो गया एकदम से ठीक है तो ये अब ये भागने की बहुत कोशिश कर रहा था बट ये यहाँ से भाग नहीं पाया ठीक है तो इससे बंदा पहले ही से जो है फिनिश कर देता है ठीक है फिर फाइनली जो है मॉन्टी कार्लो का ठीक है नाइन्टी फोर लेवल जो हो चुका है ठीक है फाइनली तो काफ़ी टाइम लगता है लेवल पुश करने के लिए ठीक है तो आप लोग देख सकते हो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मॉन्टी कार्लो का जो है नाइन्टी फोर लेवल जो हो गया है ठीक है तो यार देखिए जो भी न्यू बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है तो उन लोग को मैं बता दूँ कि देखिए आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे पेज का नाम है गाइज मोंटी कार्लो एफ एफ तो आप लोग उसके जाके फॉलो कर सकते हो और साथ में आप लोग हमारी डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो उसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यार चलो ठीक है जो भी है आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइस ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ